हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी. स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए एमसीक्यू सीरीज़. एंड यस, वी आर गोइंग टू कंप्लीट 5000 एमसीक्यू टिल दिसंबर 2019. सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फोरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड डोंट फोरगेट टू शेयर. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मेनी क्वेश्चंस एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज़ गो टू द प्ले लिस्ट एंड वॉच दैम. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 31st क्वेश्चन हियर. एंड यस, डोंट सी दिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड ऑल. लेवल ऑफ डिफिकल्टी depends on each and every child. It can differ from person to person. Okay, so don't just go to this. Let us start with the very first question. The collaborators dash involves horizontal partnerships where companies choose partners based on their ability to exploit related market opportunities, and vertical partnership where companies choose partners based on their ability to serve their value creation. What does this mean? देखिए, एक कोलैबोरेटर है, यू नो हॉरिजॉन्टल पार्टनरशिप होती है, यानी कि कंपनी उन लोगों को अपना पार्टनर चूज़ करती हैं जो मींस उनके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो जो रिलेटेड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकें. या एक तरीके से वर्टिकल पार्टनरशिप्स करती हैं जहाँ पे कंपनीज़ उन पार्टनर्स को चूज़ करती हैं जो उनकी वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प कर सके. सो व्हाट डज दिस कॉल्ड? दिस इज़ कॉल्ड रिसोर्स स्पेस. जब आप हॉरिजॉन्टल पार्टनरशिप करें ताकि जो रिलेटेड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट हो सकें, एंड वर्टिकल पार्टनरशिप करें ताकि जो आपकी वैल्यू क्रिएशन है उसकी क्षमता बढ़ सके. सो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स स्पेस. बिजनेस रीअलाइनमेंट मे बी नेसेसरी टू मैक्सिमाइज कोर कॉम्पिटेंसीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टेप्स इन द रीअलाइनमेंट प्रोसेस. सो जब भी रीअलाइनमेंट होता है देन ऑब्वियसली सबसे जो मेन पॉइंट होगा दैट यू हैव टू रीडिफाइन द बिजनेस कॉन्सेप्ट, द बिग आइडिया. बिकॉज जो भी रिलेशनशिप्स होंगे या जो भी ग्लोबल आउटरीच प्रोजेक्शंस होंगे या सक्सेसेस देखना, स्टेटमेंट्स देखना, ये सब तभी आएगा जब आप सबसे पहले बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो सबसे पहला स्टेप कहां से शुरू होगा? बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझने से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश अलाउज द कंपनी टू डिस्कवर हु इट्स कस्टमर्स आर, हाउ दे बिहेव एंड व्हाट दे नीड और वांट. इट आल्सो इनेबल्स द कंपनी टू रिस्पोंड एप्रोप्रिएटली, कोहेरेंटली एंड क्विकली टू डिफरेंट कस्टमर अपॉर्चुनिटीज. सो देखिए, व्हाट डज दिस मीन? आप देखिए, ये समझ रहे हैं कि आपके कस्टमर्स कौन हैं, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी ज़रूरत है, ताकि कंपनी उसी हिसाब से रिस्पोंड कर सके, उसी हिसाब से कस्टमर की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्हें उसी टाइप के गुड्स प्रोवाइड कर सके. सो दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. दीज आर द बेसिक क्वेश्चन. डोंट गेट कन्फ्यूज विद द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको UGC नेट में देखने को मिलते हैं. सो यू मस्ट बी, इसीलिए MCQs करने बहुत ज़रूरी हैं. जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें उतने प्रैक्टिस कीजिए. To respond effectively and provide value delivery, the company requires dash to integrate major business processes. देखिए, business के अंदर काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे आप order लेना, ठीक है, ledger बनाना, payroll बनाना, production करना. तो जब आप ये सब काम कर रहे होते हैं तो company को कौन चाहिए जो इन सब चीज़ों को integrate कर सके? So it is the internal resource management. एक internal resource management चाहिए जो इन सब कामों को क्या कर सके? इंटीग्रेट कर सके. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. With respect to value delivery, dash allows the company to handle complex relationships with its trading partners. So we are talking about the relationship कि कौन help करेगा अपने partners के साथ relationships को manage करने में. A value metrics, a global distribution policy, a business development strategy, business partnership management या total quality management. Obviously correct answer क्या होगा? Business partnership management. Business partnership management के अंदर ही आप ये सीखते हैं और ये समझते हैं कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन कर सकते हैं. देखिए, हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हो या उनको समझ नहीं आ रहा हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे आ गया है. तो इसके ये बिल्कुल भी टफ क्वेश्चंस नहीं है. यहाँ पे लिखा ज़रूर हुआ है, देखिए, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मीडियम, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस हैं. आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाना चाहिए कि अगर आप रिलेशनशिप विद पार्टनर्स के बारे में बात कर रहे हैं देन ऑब्वियसली इट इज़ बिजनेस पार्टनरशिप मैनेजमेंट. एंड अगर आप बात कर रहे हैं कि जो
बिजनेस प्रोसेसेस होती हैं, तो बिजनेस प्रोसेसेस तो इंटरनल होती है ना, सो आपको ऑर्डर लेना है, लेजर बनाना है, पेरोल बनाना है, पेरोल मीन्स कि कहाँ कितने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या सैलरी एंड पे करना है, सो ऑब्वियसली दिस इज़ एन इंटरनल वर्क, सो यू नीड एन इंटरनल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हैं, एंड सी देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी हार्ड, ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हार्ड नहीं है, अदरवाइज तो देखिए आपको ईजी क्वेश्चन भी हार्ड लगेगा। सक्सेसफुल मार्केटिंग रिक्वायर्स हैविंग कैपेबिलिटीज सच एज अंडरस्टैंडिंग, अगर आप अच्छी मार्केटिंग करते हैं ठीक है, और यू वॉन्ट टू डू सक्सेसफुल मार्केटिंग, तो आपके अंदर क्या क्या क्षमताएँ होनी चाहिए, आप क्या समझें, ऑब्वियसली आप किस चीज़ को समझेंगे, आप देखिए उस चीज़ को समझ कर उसे क्रिएट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, तो पहले आप क्या समझेंगे, ऑब्वियसली देखिए आंसर क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, आप जब कस्टमर वैल्यू को समझेंगे तभी तो आप कस्टमर वैल्यू को क्रिएट करेंगे, सो येस द करेक्ट आंसर इज़ डी, दैट इज़ कस्टमर वैल्यू। सो ऑल क्वेश्चंस आर डायरेक्ट, देर इज़ नथिंग टफ इन दिस क्वेश्चन, बस आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू एम सी किन्से रिसर्च स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मेन चैलेंजेस दैट मार्केटिंग मस्ट फेस इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के अंदर देखिए मेन क्या है, अब जैसे आप ही देखिए UGC नेट का एग्ज़ाम है, अब दिसंबर में आने वाला है ठीक है, 2 to 6 December एग्ज़ाम होगा, एंड आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब आपको मिल चुका है, तो आपका मेन काम क्या है, देखिए पूरा डिटेल सिलेबस है, कितना ज़्यादा सिलेबस है, आपको यही करना है कि आपको बेस्ट जो आपको लगे कि हमें मतलब लेस इज़ मोर, ओके, आप हमेशा ध्यान रखिए जितना कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, उसको ही बेस्ट पढ़ें, ताकि वो क्वेश्चंस आपके कहीं ना जाएं। तो सिमिलरली देखिए एम सी किन्से ने भी क्या कहा, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये कहा कि जो मार्केटिंग है 21st सेंचुरी में, उनके अंदर भी ये क्षमताएं होनी चाहिए कि वो कम चीज़ के साथ ही, कम रिसोर्सेज के साथ ही बहुत कुछ कर सकें। सो उनका कॉन्सेप्ट था डूइंग मोर विद लेस, कि लेस रिसोर्सेज होने के बावजूद यू शुड बी एबल टू डू मोर, सो ये उनकी थॉट थी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन द 21st सेंचुरी कॉल्स फॉर एक्शन इन थ्री की एरियाज। आज के 21st सेंचुरी में आपके पास 3 मेजर चीज़ें होनी चाहिए, एंड वो क्या क्या हैं, एंड ऑब्वियसली स्पेसिफिकली आप डील कर रहे हैं प्लान बनाने से लेके ऑब्जेक्टिव्स के अचीव करने तक, सो येस आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, स्ट्रैटेजिक फिट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे, एक्सपेंडिंग कोर कॉम्पिटेंसीज या इस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रैटेजी। तो अगेन ये सब पॉइंट्स तभी आएंगे जब आप सबसे पहले अपनी क्या बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सो ऑब्वियसली द आंसर इज इस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रैटेजी। मोस्ट लार्ज कंपनीज कंसिस्ट ऑफ 4 ऑर्गेनाइजेशन लेवल होते हैं, फर्स्ट क्या है डिवीजन लेवल, देन उसके बाद बिजनेस यूनिट लेवल एंड प्रोडक्ट लेवल। तो सबसे पहला आपका जो लेवल होता है वो होता है कॉर्पोरेट, सबसे ऊपर होती है कॉर्पोरेट, फिर होते हैं डिवीजन्स, फिर होती हैं यूनिट्स, और फिर होते हैं प्रोडक्ट्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। द डैश इज़ द सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फॉर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द मार्केट एफर्ट। सो येस अगर आप मार्केटिंग के एफर्ट्स को डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, व्हाट डज दैट कॉल, सो दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग प्लान, क्योंकि आप मार्केट से रिलेटेड प्लान बना रहे हैं। द डैश लेज आउट द टारगेट मार्केट्स एंड द वैल्यू प्रोपोजिशन दैट विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटीज। अगेन हम टारगेट मार्केट्स को लेआउट कर रहे हैं, एंड किस तरीके से हम अपनी बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटीज बनाएं, सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स वी वुड बी मोस्ट लाइकली टू फाइंड डायरेक्शंस फॉर, हमें डेली चैलेंजेस को इम्प्लीमेंट करना है, एड्रेस करना है, अपने प्रोडक्ट फीचर्स को अच्छा बनाना है, प्रोमोशन, प्राइजिंग, सेल्स चैनल्स, इन सब पर ध्यान देना है, सो दिस इज़ कॉल्ड टैक्टिकल मार्केटिंग प्लानिंग और टारगेट मार्केटिंग प्लानिंग। सी दिस इज़ अबाउट मार्केटिंग, बट इज़ दिस टैक्टिकल और टारगेट, सो दिस इज़ टैक्टिकल, टैक्टिक्स मीन्स जुगाड़ करना।